विजिलेंस प्रेजेंट्स कौन बनेगा मेयर शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं सुशील पाल। आज हम आप पहुंचे हैं वार्ड नंबर 3 में, जहाँ के पार्षद हैं ज्ञान सारस्वत। बहुत मशहूर हैं अजमेर के अंदर, उनको हमने जो हमारा ई रिक्शा है उसके ऊपर सवार कर लिया है और इनके साथ आज हम इनके वार्ड में घूमने वाले हैं। कई जगह हम जाएंगे, अलग अलग लोगों से बातचीत करेंगे, उससे साथ में ये भी बताने की कोशिश करेंगे आपको कि जो 5 साल 4.5 साल का जो कार्यकाल रहा, अभी तक का जो वक्त इनका गुजरा है, उसमें इन्होंने कौन कौन से काम वार्ड के लिए कर दिए हैं, कौन कौन सी समस्या है जो वार्ड में अभी अधूरी रह गई है, जिनके लिए ये प्रयास लगातार कर रहे हैं। इनके वार्ड में घूमेंगे, बहुत दिलचस्प है। जब हम आए हैं तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये इकलौते शहर के ऐसे पार्षद हैं जिनसे मिलने के लिए अजमेर का किसी भी वार्ड का आदमी आ सकता है और अपने काम को करवा सकता है, ये बेहद दिलचस्प बात है। उसके साथ इन्होंने अपनी गाड़ी के ऊपर बैठा कर मुझे एक जगह भी घुमाई, जो मैं आपको बीच में दिखाऊंगा वो जगह कि किस तरीके से एक पार्षद ने नाले के पास के इलाके का पौधरोपण किया और कितनी बेहतरीन जगह बना दी है। चलिए ज्ञान जी, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है कौन बनेगा मेयर कार्यक्रम में, और आज ई रिक्शे पर आपको स्वागत का इलाका घुमाएंगे। स्वागत मैं सुशील जी आपका और आपकी टीम का करता हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आप मेरे वार्ड में पधारे। हाँ। मैं आपसे शुरू करने से पहले निवेदन करूंगा। हाँ। कि मेरी जो काम है। हाँ। काम तो जनता को दिख रहा है, आप भी देखेंगे। हाँ। लेकिन अगर मेरे वार्ड में कोई कमी नजर आए। हाँ। तो वो कमी आप मुझे बताएं, आगामी जो 6 माह और 5 माह है उसमें उस कमी को पूरा कर सकूं। वही कमी देखने के लिए हम आए कि आपके लोग बताएं, आपका स्वागत है और आपको बता पाए कि ये कमियां हैं। आपका स्वागत है, पधारिए। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। वैसे सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपका अभी तक का जो कार्यकाल रहा, इस कार्यकाल के दौरान कौन कौन से ऐसे काम हैं, बड़े काम जो आपने अपने वार्ड में करा दिए? सुशील जी, मेरा शुरू से मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं रहा हूँ, मैं सामाजिक व्यक्ति रहा हूँ, समाज के हित में मैं काम करता हूँ। मेरे सतत प्रोजेक्ट, प्रतिदिन के प्रोजेक्ट चलते हैं। प्रतिदिन के प्रोजेक्ट के अंदर मेरा कन्या विवाह है, मासिक लोगों के अनाज पहुँचाना है, वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, बड़े मेजर ऑपरेशन कराने हैं। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे 300 से ज़्यादा मेजर सर्जरियाँ करवाने का, लोगों का, गरीब लोगों की सर्जरियाँ करवाने का, जरूरतमंद लोगों की सर्जरियाँ करवाने का सौभाग्य मिला। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि क्या काम हुए, बहुत काम, हर काम को मैं बड़ा मान के चलता हूँ। मैं जब सुबह उठता हूँ और 6 बजे उठ के अपने वार्ड का मैं राउंड लेता हूँ, तो मुझे जो भी, अगर सफाई का, अगर मुझे कोई कहता है कि झाड़ू लगानी है, मैं आपके वार्ड में ये गंदगी है, तो मैं उस काम को बड़ा काम, बड़ा मान के लेता हूँ, लाइटली किसी काम को नहीं लेता। और जब हर काम को अपन अच्छे से लेते हैं और लाइटली नहीं लेते हैं, तो नेचुरल है कि निश्चित तौर से काम अच्छा ही होगा और अच्छे से करने का हर काम को प्रयास करता हूँ। मतलब आप पार्षद के साथ साथ समाज सेवा भी एक तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि मतलब मैंने इतने पार्षदों को नहीं देखा जो इस तरीके से काम करें, वो कहें भामाशाहों की मदद से। सारे 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 पार्षद अच्छे हैं, लेकिन अपना अपना तरीका काम करने का अलग होता है, हर आदमी की परिस्थिति अलग अलग होती है। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि है कि मैं परिवार की तरफ से फ्री हूँ, मुझे दाल रोटी की चिंता नहीं रहती है, मेरा संयुक्त तो परिवार है, मेरे भाई हैं, बेटे हैं, परिवार हैं, मम्मी हैं, पापा हैं। तो जब दाल रोटी की आदमी को चिंता नहीं रहती है, जब पेट भरा हुआ होता है तो वो दूसरे काम देखता है, तो वो काम आराम से कर पाता, आराम से मैं कर पाता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, इस शहर के लोगों के दिमाग में जैसे आता है कि पार्षद हैं, पार्षद बन गए, जीत गए, तो एक अजीब सी मानसिकता होती है पार्षद के प्रति, दिखाने चाहूंगा। हाँ। कि आप, ये वो जगह है जिस जगह का हम जिक्र कर रहे थे, ये देखिए नाला है और ये नाला आना सागर जाता, ये बाणी नदी का नाला है, बाणी नदी का ये नाला है, सीधा आना सागर की ओर, आना सागर के फाई सागर का ओवरफ्लो इससे जाता है। इसके किनारे लगभग 1,000 फीट लंबी पट्टी पड़ी थी, इस पट्टी के अंदर कचरे, कांटे, जानवर ये रहते थे, कॉलोनी वालों को परेशानी रहती थी, आए दिन इससे एक्सीडेंट होते थे, कभी गाय गिरती थी, कभी कुत्ता गिरता था। और संयोग से मेरा लोगों से ज्यादा जुड़ाव है, तो मुझे ही निकालने के लिए आना पड़ता था। अभी इस बरसात में नगर निगम के माननीय महापौर जी, कमिश्नर साहब और भामाशाहों के माध्यम से तारबंदी करवाकर और 350 पेड़ लगभग इधर इस पे लगा के, और पेड़ भी लगाए, पेड़ वृक्षारोपण बहुत होता है, वन विभाग भी करता है, लेकिन ये सारे पेड़ जो लगे हैं, ये इसके अंदर हमने लगाए कदम के, अर्जुन के, या जो औषधीय पेड़ है, गुलर के, पारस पीपल के, जो पेड़ शहर में जो विलुप्त हो रहे हैं, वो पेड़ लगा के, और पेड़ लगाने के बाद उसके बाद नियमित इनको टैंकर से पानी देना, इनके खुदाई करना, निनाई करना, खाद देना आदि आदि सारे काम हमने इसमें करते हैं बराबर। और लगभग हर पेड़ आज 4 फीट का लगा हुआ, 6 फीट के आसपास हर पेड़ चल रहा है। और इस साल जो मैंने 700 पेड़ लगाए थे, उसमें से मात्र 7 या 8 पेड़ जले। आपको आश्चर्य होगा कि वन विभाग कहता है कि 35% रिजल्ट होता है, 50, कोई कहता है 50% होता है, सरकार कहती है 80% होता है, लेकिन 700 पेड़ में से मात्र 7 से 10 पेड़ जले और वो भी वापस लगा दिए गए, 100% वृक्षारोपण का रिजल्ट है। अच्छा
यहाँ पे वृक्षारोपण हो गया एक तरफ है, ये दूसरा हिस्सा देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इतना ये वृक्षारोपण भी 3 साल पहले मेरे द्वारा ही किया गया। जब हम उधर चल रहे हैं उसी तरफ चल रहे हैं, जब हम आगे चलेंगे तो आपको मैं इसकी पूरी कहानी बताऊंगा कि ये कैसे चौपाटी बनी। जो सरकार आज करोड़ों रुपए लगाकर अनासागर की चौपाटी बना रही है, ये मेरी जनता ने ये चौपाटी बना दी सर। लेकिन ये जलकुंभी की कहानी क्या है? जलकुंभी बड़ी समस्या आई जलकुंभी की है। ये अजमेर में जलकुंभी के नाम से कोई चीज नहीं थी, लेकिन पता नहीं किस तरह से इसका बीज यहाँ आया और ये जलकुंभी बाणी नदी में फैली। लगभग 4 वर्ष पूर्व जब मशीन नहीं हुआ करती थी नगर निगम के पास में, तो मैंने स्थानीय मजदूरों से और कार्यकर्ताओं से, मछली पकड़ने वालों से, उनसे जन सहयोग से कंप्लीट बांधी नदी की नाले की जलकुंभी 100% साफ कराई थी। लेकिन चूंकि अभी इसमें पानी छिछला है, मशीन इसमें संभव नहीं है चलना, और इसका पानी खाली करने का प्रोसेस इसमें सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में जा रहा है पानी, तो खाली हो रहा है, इसलिए इसको उठाने की आवश्यकता नहीं है। 10-1 दिन में ये पानी खाली हो जाएगा और खाली होने के बाद जलकुंभी स्वतः ही सूख जाएगी। राइट ले लीजिए। जलकुंभी के लिए लोग तो आपको कहते होंगे बहुत सारे मर्तबा यहाँ पर गाड़ी आती है साफ करती है, लेकिन अभी वर्तमान में इसमें गाड़ी आने की स्थिति नहीं है, इसलिए नहीं है कि पानी छिछला, इसमें मात्र 1 या 1.5 फीट पानी है। सीधे आपको ले लीजिए, पानी छिछला है, मशीन चल नहीं सकती है, तो पानी 10-1 दिन में खाली हो जाएगा। खाली होने के बाद ये सोते ही जैसे पानी खत्म होगा अपने आप जलकुंभी खत्म हो जाएगी। चलिए, ये वार्ड नंबर 3 के अंदर आपको एक जगह हम दिखाने जा रहे हैं जिसको यहाँ के पार्षद ने खुद तैयार किया है। इस जगह को बैठने के लिए लोगों के लिए बनाया है और लोग यहाँ पर बैठे हुए हमें नज़र भी आ रहे हैं। उस जगह की ओर चलते हैं, इसकी क्या कहानी है? सब ये लगभग 500 से 700 फीट लंबी एक पट्टी थी जिसके ऊपर 10 फीट गहरा गड्ढा था और इस गड्ढे के अंदर ये दीवार नहीं हुआ करती थी। अजमेर में जो ये बेंचें लगी हुई, ऐसी बेंचें कालांतर में नहीं लगती थी ये बेंचें, तो मैंने इसके अंदर केला बावड़ी इंद्रकोट की सफाई का माननीय महापौर जी के आदेश से निर्देशानुसार मैंने सुपरविजन किया। केला बावड़ी की सारी खुदाई की मिट्टी इस पट्टी पे डली, ये दीवार बनवाई गई, दीवार बन के भामाशाहों से बेंचें लगाई गई। आपको बता दूं कि अजमेर में बेंचें लगाने की शुरुआत, ये पहली शुरुआत यहाँ से हुई है और अनासागर की जो सरकार की चौपाटी वो बाद में बनी, मेरी ये चौपाटी बन के पहले तरह तैयार हुई। और यहाँ भी शाम को बड़े अच्छे से महिलाएं यहाँ बैठ जाती है। अभी आपको एक सज्जन कह रहे थे कि बेंचों के नीचे गंदगी है, अब सुशील जी आपके सामने है ये बेंचे हैं, कहाँ गंदगी है या शाम आने की क्या स्थिति है। एक जो पब्लिक की अवेयरनेस और लोगों का होता है, ये डस्टबिन ने बहुत सुंदर सा और कलर करा के डस्टबिन लगाया, लोगों ने जला के और इसकी क्या हालत कर रखी है, ये अवेयरनेस के बारे में आपको बताऊंगा कि जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, सक्रिय नहीं होगी ये। अच्छा, इससे मुझे एक बात याद आई, दिल्ली का चुनाव चल रहा है क्योंकि, और दिल्ली चुनाव में सीसीटीवी कैमरे का बड़ा जिक्र होता है, वहाँ पे मोहल्ले के अंदर सीसीटीवी कैमरे का भी मैंने पूरा अपने मैंने सबसे पहले प्रोजेक्ट किया था, ये शुरू करने का प्रयास भी किया था, मैंने इसके ऊपर रिपोर्ट भी बनाई थी, लेकिन चूंकि उसका इतना खर्चा है, लगभग 20 लाख रुपए के कैमरे जब होंगे तो मेरे वार्ड कम्प्लीट होता है। और उसमें भी दो समस्या थी कि अगर हमें उसको रात के समय, अगर रात को कोई गाड़ी आकर रुकती है, तो कैमरे जो 20 लाख में मात्र लग रहे थे, वो कैमरे इतने सक्षम नहीं थे कि उस गाड़ी की नंबर प्लेट हेडलाइट जलने के बाद पड़ सके, तो उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा था। दो कमी नजर आई, एक तो हेडलाइट जलने के बाद कैमरों को नकारा हो जाना, और दूसरा आपके महंगा होना, उसकी लागत अधिक आना। इस कारण से मैंने ये कैमरे लगाने का प्रोजेक्ट स्थगित रखा, लेकिन भविष्य में मौका मिला तो मैं ये काम करूंगा। बहुत सारे लोग इस तस्वीर को देखेंगे कि नाले के पास में चौपाटी बनी हुई है, बदबू आती होगी, लेकिन आपको बता दूं कि इस वक्त जब मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ तो मुझे किसी प्रकार की कोई बदबू फिलहाल नहीं। यहाँ नियमित नियॉन स्प्रे होता है और साफ सफाई आप जैसा देख रहे हैं, ये कोई प्रायोजित नहीं है। आपका फोन सुबह आया था, उसके बाद लगातार मैं, कोई प्रायोजित नहीं है ये। अच्छा, इसके बाद में ये पेवर ब्लॉक लगने के बाद में आगे यहाँ कच्चा था और तारबंदी कराकर ये पेड़ मैंने लगाए थे, जैसे आपने पहले देखा था ना। ये इसमें हर पेड़, ये खाली बॉर्डर के पेड़ छोड़ के हर पेड़ इसमें उपयोगी है, आयुर्वेद औषधीय से है। ये सामने आप देख रहे हैं, ये जो पतझड़ का मौसम चल रहा है, ये पारस पीपल का पेड़ है जो कई आयुर्वेद औषधियों में और उसमें काम में आता है। जब आगे अपन चलते जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कितने इसमें नक्षत्र के, ग्रह के, और वो पेड़ आगे इस तरह से लगे हुए हैं। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद बहुत जल्दी हाजिर होते हैं और आपको ज्ञान जी के कुछ और काम के बारे में भी बताते हैं। Myra Fashions, an exclusive range of designer collection, Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है कौन बनेगा मेयर शो के अंदर, और ज्ञान जी इस वक्त हमारे साथ में है, वार्ड नंबर 3 के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं, और एक और नई जगह है वो उसका जिक्र खुद बताएंगे।
ये क्या चीज है, ये बेकार बेकार पड़ी जगह थी, खड्डा था। हाँ। तो एक नई थीम मैंने की, हमारे क्षेत्र में एक बरसों पुरानी गंज के अंदर कबूतरशाला बनी हुई है जहाँ पक्षियों को अनाज डाला जाता है। तो क्यों ना मैंने कहा हमारे क्षेत्र के घाटी के इधर के 5-7 वार्डों के लिए कबूतरों को पक्षियों को अनाज डालने की जगह बनाई जाए, तो मैंने एक कबूतरशाला यहाँ बनाने का प्रयास किया। एक आयुर्वेद और ज्योतिष के पास जब जाते हैं तो क्या बोलते हैं, पीपल में पानी देना, फला पेड़ में देना, नाग चंपा में देना, ऐसे पेड़ आसानी से मिलते नहीं है। मूल नक्षत्र में कोई नावन में पैदा होता है तो उसके लिए इतने पेड़ों का पत्ते चाहिए, वो मिलता नहीं है। तो ज्योतिष ये जितने भी ज्योतिष ये ग्रह नक्षत्र के पेड़ और आयुर्वेद औषधीय के पेड़, वो मैंने एक कलेक्शन करके इसको पंचवटी जहाँ माता सीता ने रही थी, राम जी वनवास में रहे थे, सीता माता पंचवटी में रही थी, उसी तर्ज पे पंचवटी यज्ञशाला और ये आपने मैंने वृक्ष मंदिर बनाने का प्रयास किया है। यहाँ कल्पवृक्ष से लेके आपको बांस मिलेगा, अमरूद है, आंवला है, बेलपत्र है, पीपड़ है, बल है, बड़ है, नाग चंपा है, अखरोट है, लगभग आयुर्वेद सारे पेड़ आप मिश्र लेंगे। और सबसे बड़ी बात है इसमें सरकार का इसमें किसी तरह का कोई वो बजट नहीं लगा है, ये विशुद्ध मेरे वार्ड के मेरे मिलने वाले मेरे परिचित अच्छा, मेरे मित्रों ने बनाए। एक जिज्ञासा आ रही है मेरे मन में, हाँ हाँ, कि आप इतने काम करते हैं, करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट आपके वार्ड में हो जाते हैं। वो इसलिए सफल हो पाते हैं कि आपकी पारदर्शिता जरूरी है, पारदर्शिता जरूरी है। आप कैश पैसा नहीं लेता हूँ, अगर किसी ने यहाँ काम किया तो वो निर्माण करा के चला गया। आप देखिए मैंने सामने श्रीराम यंत्र बनाया, गेट खोला बेटा, गेट खोला, आइए देख लेते हैं, आइए। अब देखिए इसमें बिल्कुल वीरान जगह है, यहाँ ऐसी आवाजाही लगती नहीं है। हाँ। लेकिन आज भी इस जल मंदिर में लगभग 1,000 लीटर पानी रोज लोग पी के जाते हैं। हाँ। मतलब इतनी इस प्याऊ की उपयोगिता है, बच्चे स्कूल के बच्चे हैं। हाँ। इसके साथ साथ बिल्डिंग मजदूर हैं। हाँ। आपके सुबह मॉर्निंग वॉकर्स हैं, इवनिंग वॉकर्स हैं। हाँ। ये सारे लोग यहाँ पानी पीते हैं और 1,000 लीटर पानी की टंकी रोज खाली होती है। आपने तो नाले के पास की जगह को बिल्कुल धार्मिक बना दिया। हाँ हाँ, और बिना इसमें कोई सरकारी सहयोग के, किसी प्रकार का कोई सरकारी इसमें अंशदान या बजट नहीं लगा है। हाँ। आप ये देखेंगे ये कबूतरशाला है, अंदर जो गंदगी दिख रही है। हाँ। ये पतझड़ का मौसम है, पेड़ झाड़ने के बाद की जो गंदगी है। हाँ। वो गंदगी है। हाँ। लगभग हमारे यहाँ 50 से 60 किलो अनाज रोज पक्षी खा के जाते हैं। अच्छा, ये कौन डालता है? ये स्थानीय दानदाता, हमारे भाई, हमारे ये। अच्छा, एक और बताऊंगा, हमारे यहाँ जो नवीन आप आ गया हो, हमारे जो सफाई कर्मचारी बंधु हैं या नगर निगम की जो टीम है, ये आप कैमरा इधर कीजिए सर, इनकी तरफ पीछे देखो, पीछे घूमना, ये देखिए क्या नाम है, ये एएमसी, ये नवीन है, ये मेरे वार्ड के मेरे साथी हैं जो सफाई नगर निगम से नियुक्त है यहाँ। हाँ। हमारी ये यूनिफॉर्म है सर। हाँ। इनका बैच है, क्योंकि नवीन जी इसलिए बैच और मास्क नहीं लगा रखे कि यहाँ अभी ये काम कर रहे हैं। हाँ। अगर इनकी फोटो कोई मतलब इसलिए यहाँ देखिए पुराने आपने जब इनको दिया था तब आप लोगों को क्या क्या मिल जाता है? मास्क है और शूज वगैरह भी हैं नाले वाले में उतरने के लिए वगैरह। हाँ, सब। आपको नहीं लगता कि कितने साल में मिलता है आपको ये? हर महीने मिलता है? साल का बजट आपको मिलता है? जैसे हमारे पास कुछ कमी होती है तो हम बोल देते हैं तो आ जाता है सामान। पार्षद साहब को बोल देते हैं? हाँ, पार्षद जी को बोल देते हैं, कर देते हैं आप लोग। हाँ, जी जी। अच्छा, कितने समय तक काम करते हैं आप सफाई का यहाँ पर? सुबह 6 बजे से लेके 11 बजे तक सुबह, फिर दिन में 3 से 6। एक सफाई कर्मी को कितना पैसा मिलता है? पेमेंट तो 11,000 ही है अभी। पूरी पैसा पूरा पैसा मिलता है या कुछ ठेकेदार रख लेता है? नहीं नहीं, पूरा पूरा मिलता। नहीं, ये मैं आपकी बात काटूंगा सुशील जी। हाँ। ये ठेकेदारों का ठेकेदार के कर्मचारी नहीं है, ये नगर निगम के नवनियुक्त कर्मचारी है, नवनियुक्त कर्मचारी है। और आपको आश्चर्य होगा कि ये नवीन जब कॉलोनी में झाड़ू लगाता है या सांगेला जी झाड़ू लगाते हैं तो ये MA BEd है ये बच्चा। MA BEd होने के बाद में भी इसको कोई शर्म नहीं, ये काम करता है। और यहाँ हमारे यहाँ एक टीम बहुत अच्छी टीम बनी हुई है यहाँ। इसकी तनख्वाह भी, इनकी तनख्वाह इसलिए कम है कि ये नए लगे हैं और परीक्षा काल में ये चल रहे हैं। एक बहुत अच्छा और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग काम करते हैं। हमारे यहाँ एक इन्होंने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि प्रति रविवार को जब इनकी छुट्टी रहती है तो स्वैच्छिक रूप से जितने भी 10 से 15 लोग आते हैं तो हम एक क्षेत्र का, वार्ड का नहीं, क्षेत्र का एक सार्वजनिक स्थान चुनते हैं जिसमें मंदिर भी हो सकता है, अजमेर का कोई भी इलाका, अजमेर का बहुधा हमारे इधर का, हम घाटी के इधर का चुनते हैं जिसमें पुष्कर घाटी की हम जैसे कावड़ से पूर्व हम उसकी सफाई करते हैं, मेले से पूर्व हम सफाई करते हैं, बैजनाथ मंदिर हमने सॉरी कोटेश्वर महादेव मंदिर हमने सफाई किया है, हमने वार्ड के मंदिरों को लिया, हमने वार्ड के पार्कों को लिया, हमने रेलवे स्टेशन को भी लिया है। तो हमारी टीम जाकर जब बड़ा स्थान होता है या बड़ा काम होता है तो वहाँ हम सबको बुला लेते हैं। बाकी हमारे 10 से 15 भले 2 लोग आएंगे लेकिन प्रति रविवार को स्वैच्छिक श्रमदान हमारा, हमारे साथी, साथ में मैं और संभव होता है तो हमारे वार्ड के कार्यकर्ता करेंगे ही करेंगे। और ये जो आप ये वृक्ष और ये देख रहे हैं ना, इसमें कोई दानदाता है या कोई वार्ड की कोई टीम या नगर निगम की टीम, इनको भी पालने में सारा श्रेय जाता है, इन्हीं को जाता है।
इनका ही श्रेय जाता है, यानी मेरी जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, वो मेरे ये भाई भाई और बहन है जिनके कारण से मैं अच्छे से वार्ड को मेरी ये जिंदाबाद होती है। चलिए आइए चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। और ये जगह हमने दिखाई जो आपको रास्ते में दिखाई दे रही थी, तो हम यहाँ रुके, हमने देखा कि किस तरीके से नाले के पास की जो जगह है उसको धार्मिक जगह बनाकर स्वच्छ साफ सुथरा रखा जा रहा है, पेड़ आसपास लगाए जा रहे हैं। आगे चलते हैं, लेके वार्ड के कुछ और जगह भी आपको हम दिखाते हैं। मैंने आप सामने दीवार पे देख रहे होंगे, मैंने कलेक्ट्रेट की तरफ से बहुत अच्छी पेंटिंग बनाने का भी प्रयास किया था, लेकिन कालांतर में जब सीवर की खुदाई हुई, सीवर लाइन डली, तो ये हमारे वार्ड के लोगों के किए कराए को इन्होंने पानी फेर दिया, वापस पेंटिंग कर दी, ये काम बीच में रोकना पड़ा। चलो एक बस इस प्लॉट में ले लेते हैं सामने वाले, ठीक है चलो चलो सर। एक हमारे वार्ड की सुशील जी, मैं आपको और खासियत बताऊंगा कि हमारे यहाँ एक नियम कह लीजिए, एक बात कह लीजिए कि सरकारी जमीन सरकार की, ये आप जो प्लॉट देख रहे हैं सामने, ये प्लॉट है, इस तरह की लगभग 8 से 10 जमीन जब हम वार्ड में चलेंगे तो आपको ऐसी मिलेगी जिसपे कब्जा हो रहा था या कब्जा होने की संभावना थी। तो यहाँ हमने अपने प्रयासों से तारबंदी कराई है, कुछ जगह अजमेर विकास प्राधिकरण के तरफ से आगे आगे और मिल जाएगी, बड़ी तारबंदी ले लेंगे अपन। चलो सर तारबंदी कराइए, तो इस तरह से आपको इस तरह की जो जमीन आती जाएगी, बताता जाऊंगा कि इस तरह से देखिए ये सरकारी जमीन हमने रोक रखी है, ये बेशकीमती जमीन है साहब, ये 25,000 रुपए प्रति वर्ग गज की जमीन है। अच्छा, जब आप सरकारी जमीन दिखा रहे हैं, ऐसे में एक पार्षद की भूमिका बेरोजगारी रोकने में भी बहुत बड़ी हो सकती है, और वो कैसे हो सकती है, जैसे कि आपके वेंडर्स बहुत सारे वेंडर जोन्स ये जो जमीन है ये सारी कॉलोनी के बीच में है और यू कह लीजिए कि सुनसान एरिया में है, तो ये संभव नहीं हो पाता है कि यहाँ वेंडर आके काम करे, और वेंडर जब आएगा तो पड़ोसी जो कॉलोनी वासी हैं वो भी इसको अलाउ नहीं करेंगे कि वेंडर कोई ऐसी जगह ऐसी इलाकों में कुछ तो जगह ऐसी। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं पार्षद लेट बना है ना, अगर मैं पहले बनता तो मैं आपको एक नाला भी दिखाऊंगा, जो नाला लगभग 80-100 फीट का था और आगे है भी वो, लेकिन अभी कई जगह उसको 5 फीट का भी कर दिया गया है, तो ये मैं दुर्भाग्य कहूंगा कि मैं पता नहीं क्या हुआ होगा कालांतर में कैसे हुआ होगा, लेकिन अभी जो हो रहा है उसमें गलत कहीं नहीं होने दूंगा जब तक मैं पार्षद हूं। आप शायद 5 बार से लगातार पार्षद? नहीं, मैं दूसरी बार पार्षद हूं। भागीरथ जोशी जी थे 5 बार पार्षद, वो थे। अच्छा, लास्ट पिछली मर्तबा जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे तो आपका नाम बहुत जोरों से चल रहा था कि ज्ञान सारस्वत आएंगे पार्षद सुशील जी मेरे, और लोगों से जो हमने भी पूछा तो आपका नाम बहुत एक एमएलए उम्मीदवार के तौर पर प्रस्तावित लग रहा था कि लोग चाह भी रहते हैं अजमेर की जनता चाह रही थी कि आप आएं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मेरा इतना लोग स्नेह रखते हैं, निश्चित तौर से मैंने एमएलए की तैयारी भी की थी, मेरे कुछ मेरी पार्टी से मतभेद भी रहे होंगे या कोई वैचारिक मतभेद थे उस समय, तो मैंने कुछ समय के लिए मैं पार्टी से जुदा भी रहा, मैंने पहला चुनाव निर्दलीय लड़ा, दूसरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के बैनर से लगा, लेकिन मेरी रग रग में भारतीय जनता पार्टी बसी हुई है, और आपको मैं निवेदन करूँ कि दोनों चुनाव मैंने राजस्थान की हाईएस्ट विनिंग प्राप्त करी है, पहला चुनाव मैंने 2510 वोटों से जीता, दूसरा चुनाव मैंने 3510 वोटों से जीता है, तो एमएलए का वर्तमान में अब मैं ये कहूंगा कि जैसा मेरी पार्टी करेगी वैसा करूंगा, वो बात पुरानी बात हो गई, लेकिन उसके लिए बनने की इच्छा तो होती है ना, हर राजनीतिक आदमी हर पार्टी का कार्यकर्ता होता है, वो ये चाहता है कि मैं पार्षद बनूं, एमएलए बनूं, मुख्यमंत्री बनूं, तो एक इच्छा तो होती है, लेकिन इस समय हमारे वासुदेव जी एमएलए हैं, बढ़िया व्यक्तित्व है, मेरे बड़े भाई हैं, समय उनको देखिए हो गया है, मुझे लगता है कि उनकी एज राजनीति में अब संगठन को या फिर कहें कि संगठन के बड़े स्तर पर जाने की हो गई है, ऐसे में अजमेर से एक नए नेता की बहुत जरूरत है, और ऐसे नेता की मेरे अग्रज मेरे 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 अग्रज 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 वासुदेव जी और का अनुज होने के नाते मैं कहूंगा कि जब तक वासुदेव जी चाहेंगे और पार्टी टिकट देती रहेगी, मैं उनकी जिंदाबाद करता रहूंगा, उनके जिंदाबाद आप करते रहेंगे। अच्छा, वार्ड में आपके टाटा के कामों को लेकर कभी परेशानी हुई क्या, आपको कभी ऐसा लगा कि टाटा कंपनी जो है, क्योंकि बिजली का निजीकरण हो गया, आपकी सरकार ने किया निजीकरण? हाँ, टाटा पावर को लेकर बहुत बड़ी समस्याएं आती है, शुरू में तो पावर की समस्या आती थी, अब पावर की बढ़िया चल रही है, मेंटेनेंस भी इनका बढ़िया हो रहा था, एक मोटी समस्या टाटा पावर की जो आती है, मोटी समस्या भैया जी स्पीड से ले लो, बहुत घूमना अपने को, टाटा पावर की जो समस्या आती है बिलों के अंदर अनियमितता, हाँ। एक आदमी एक बल्ब जला रहा है, एक ट्यूबलाइट जला रहा है, और या छोटा सा घर है, कच्चा घर है, और उसके बिल आ जाता है 20,000 का, उसको सुधारने में उसको टाइम लगता है, एक समस्या ये आती है, बरसात के दिनों में थोड़ी सी रिपेयर मेंटेनेंस के अंदर दिक्कत आती है, बाकी टाटा पावर इस समय ठीक चल रही है, टाटा इस समय हाँ मेरे वार्ड में तो ठीक चल रही है, ठीक चल रही है।
सीवरेज को लेकर सीवरेज की बहुत बड़ी बहुत बड़ी बहुत 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 बड़ी दिक्कत आई स्मार्ट जब सीवरेज जी सीवर जब सीवर वार्ड में लगना चालू हुई थी तो ये लगा था कि नालियां ड्राई हो जाएगी सीवर के नाम पे मेरा वार्ड जिस तरह से लालू प्रसाद जी कहते थे कि मेरी सड़कें वैसी मैंने वैसा बना रखा था वार्ड को जो ऊपर लालू प्रसाद जी देते थे वैसा बना रखा था लेकिन आज हम देखेंगे कि ठीक है रिपेयरिंग हुई है मैंने अच्छे से काम कराने का प्रयास किया है लेकिन जो मेरी सड़कों का मेरे वार्ड का बदहाल सीवर के कारण हुआ है वो मेरे बिल्कुल मेरे किए कराए पे मेरी 5 साल की नहीं 8 साल की मेहनत के ऊपर पानी फेरा है इसने सीवर ने और अभी तक मेरे को समुचित इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आपको आगे मैं ऐसी भी जगह बताऊंगा जहां सीवर के कहते हैं कि भाई 100% डामरीकरण होना चाहिए। ये देखिए आपके सामने है इसके ऊपर डामर होना बाकी है इन्होंने सीमेंट कर दिया अब पास की गली में जब डामर हो गया और इस पे डामर नहीं हुआ तो मुझे लोगों को जवाब देते नहीं बनता है। लेफ्ट लेना भैया जी उल्टे हाथ की तरफ लो। एक बड़ी बड़ी समस्या से मैं आपको अवगत कराऊंगा खाली प्लॉट की समस्या। ये खाली प्लॉट है इसका यहाँ 8 फीट से 10 फीट गहरा गड्ढा था इसकी भर्ती हमने अपने सोर्सों से या जो फालतू वार्ड का मलबा आता है उससे करवाई भर्ती लेकिन आज भी ये खाली प्लॉट मेरे वार्ड पे बदनुमा दाग है। इस तरह के खाली प्लॉट जगह जगह है लोग इन्वेस्ट के लिए प्लॉट लेके डाल देते हैं जिनके मालिक का पता नहीं होता है उसके बाद साफ सफाई का ध्यान रहता है। अजमेर विकास प्राधिकरण ये जो समस्या है अजमेर विकास प्राधिकरण निगम की समस्या तो मैं नोटिस दिलवा के मैं हाथों हाथ पूरी करवा लेता हूँ। ये आपको इस तरह के जब आगे चलेंगे तो आपको भी ताजा भर्ती होती हुई मिलेगी कि किस तरह से इनको फेस करना पड़ता है बरसात में इन गड्ढों में पंप लगाना पड़ता है आए दिन इसमें कुत्ते मरते गिरते हैं गायें गिरती है। आपको लगता है एडीए की जो कमेटी है या एडीए में जो है इसके अंदर शहर के पार्षदों की एक भागीदारी होनी चाहिए बजट निगम की बजाय अब एडीए से भी निकलना चाहिए। एडीए से बजट नहीं आता है साहब एडीए के अंदर कहते हैं कि जब बोर्ड बनता है तो पार्षद उसमें मेंबर बनता है सत्तारूढ़ दल का लेकिन पिछले लंबे समय से एडीए के अंदर कोई अध्यक्ष है नहीं केवल प्रशासनिक अधिकारी एडीए चला रहे हैं और आज नियमीकृत कॉलोनी में नियमन करने के वक्त तो एडीए पैसे ले लेगा लेकिन उसमें डेवलपमेंट चार्ज भी होता है उसमें सब कुछ होता है लेकिन एडीए डेवलपमेंट के नाम पे इस समय नियमीकृत कॉलोनी में कुछ भी काम नहीं करता है साहब क्योंकि कई लोगों से जब हमारी बातचीत होती है तो कई समस्याएं तो एडीए से संबंधित नहीं है। मैक्सिमम समय निगम से तो मैं निगम में पार्षद हूँ निगम के अधिकारी से तो मैं दादागिरी करके काम करवा लूंगा लेकिन एडीए में मेरी दादागिरी नहीं चलती। मैं जब वहाँ मिलने जाना है कमिश्नर साहब से तो 3 बजे जाना पड़ेगा 3 बजे मेरे दूसरे काम भी हो सकते हैं 3 बजे जाना पड़ेगा तो मैं एडीए के अंदर मेरी दादागिरी नहीं चलती दादागिरी मीन्स मैं अपने काम नहीं करा पाता तो जो मैं अच्छे से काम करना चाहता हूँ वो काम नहीं करा पाता एडीए में ये कमी मेरे पास नजर आती है ये कमी आपके पास। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपको फिर आगे की और तस्वीर भी हम दिखाएंगे। सदगुरु डिजाइनर वेडिंग कलेक्शन हैंड पिक्ड फैब्रिक्स एंड प्रीमियम ब्रांड्स सदगुरु स्टोर नगीना बाग अजमेर। विजिलेंस प्रेजेंट्स कौन बनेगा मेयर कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है और अब एक पार्क जो कॉलोनी के अंदर होता है वो पार्क की तस्वीर हम देखने जा रहे हैं कि कैसा पार्क बना हुआ है पार्क में सुविधाएं हैं या नहीं है। सबसे खास बात है कि इस पार्क के अंदर कुछ ओपन एयर जो जिम होती हैं उनके इंस्ट्रूमेंट भी यहां पर लगे हुए हैं क्या ये स्मार्ट सिटी के तहत लगे? हाँ सुशील जी एक पार्क में काफी कुछ काम स्मार्ट सिटी की तरफ से हुआ है मेरी कॉलोनी की समिति की तरफ से हुआ है। आप अगर इसमें जो थोड़ा जो अभी इस समय गंदगी देख रहे हैं आज मेरे वार्ड के अंदर सुबह यहाँ एक सामूहिक कार्यक्रम था कॉलोनी का अभी सफाई हो रही है। बाकी इस पार्क के अंदर आपको कैमरे आप देखिए ऊपर कैमरे हमने हमारे पार्क में लगा रखे हैं सुरक्षा की दृष्टि से। स्मार्ट सिटी के तहत 4 जिम हमारे इस वार्ड के अंदर पार्कों में सभी पार्कों में है। इस पार्क के अंदर एक और तीन बोरिंग इस पार्क में है एक इधर लगा रखा है। पानी के सारे पार्कों में समुचित व्यवस्था है। पार्क डेवलप करने से पहले अजमेर विकास प्राधिकरण का एक बोरिंग इसमें था लेकिन एक बोरिंग भामाशाहों के माध्यम से कराया एक स्मार्ट सिटी के माध्यम से कराया तो पार्क की सिंचाई के काम में तो ये आता ही है। इसके अलावा जब तेज गर्मी के अंदर हमारी कॉलोनी के लोग भी उससे पानी भर सकते हैं। स्मार्ट सिटी के तहत हमारे यहाँ झूले लगाए गए झूले के चारों तरफ जाली ये जाली का शुरुआत मैंने ही यहाँ से करवाई है। अच्छा आपका वार्ड स्मार्ट सिटी में? मेरा वार्ड स्मार्ट सिटी में सेलेक्ट नहीं है। फिर कैसे लग गया ये सब प्रभु की कृपा है प्रभु की कृपा है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो बोरिंग की व्यवस्था आपके यहाँ पर है 3 बोरिंग एक पार्क में है उधर वाले पार्क में एक कुआ एक बोरिंग है एक छोटा पार्क और है उसको मैंने पक्का करा रखा है। जैसे आपके वार्ड में तो पानी की कमी नहीं आएगी गर्मी में? मेरे मेरे वार्ड में पानी की कमी नहीं आ सकती है सर
मैंने तो एक प्लानिंग यहाँ तक कर दी थी इनको कि मेरे वार्ड का पानी मैं ही मेरे वार्ड में इस फिल्टर से ना लेके मेरे बोरिंग और कुओं से सप्लाई कर दूं। हाँ। लेकिन उसमें भी लागत करीब 20 लाख रुपए आ रही थी और मुझे विडंबना है मेरी कि मुझे 20 लाख रुपए सरकार दे नहीं सकती उस काम के लिए, या मैं इंजीनियर टेक्निकल आदमी नहीं है। हाँ। नहीं हूँ, इसलिए मेरा प्रोजेक्ट किसी को स्वीकार नहीं था। नहीं तो मैं सारे कुओं को अपनी पाइपलाइन से जोड़ के, सारे बोरिंग को एक साथ जोड़ के 15 HP की मोटर लगा के और उस पानी को अपने वार्ड में पूरा कर दूं। लेकिन मेरे वार्ड मेरी बात को किसी ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी और चूंकि मैं एक गरीब आदमी हूँ और मैं 20 लाख की व्यवस्था नहीं कर सकता था, इसलिए मेरा प्रोजेक्ट अधूरा रह गया। चलो, करोड़ों के प्रोजेक्ट कम्प्लीट कराने के बाद बात भी आप कह रहे हैं कि मैं गरीब आदमी हूँ। अच्छा, ऐसे कितने पार्क मेरे वार्ड के अंदर? 4 पार्क ADA के हैं। 4 हाँ। पार्क में से 3 पार्कों में जिम लगा हुआ है। एक पार्क को मैंने नीचे पक्का करा रखा है, छोटा पार्क है, तिकोना पार्क है, जो उठावने या कोई दूसरे कार्यक्रमों के लिए इसी कॉलोनी में एक पार्क है, उसको मैंने फर्श पूरा पक्का करा के और उसमें पेड़ वगैरह लगा रखे हैं। एक कृष्णा विहार BK कॉल में एक पार्क, जो ADA के पार्क है, सब में 3 पार्कों में जिम लगे हैं, पक्का है। और इसके अतिरिक्त मैंने 3 पार्क सरकारी जमीनों पर जो कब्जे हो रहे थे उनको हटा के पार्क बना रखा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अशोक वाटिका है, ये कबूतरशाला वाला एक पार्क और है जिसके ऊपर मैंने तारबंदी या दीवार करवा कर और उसमें एक बार की मिट्टी डला के बोरिंग करा के एक बार कच्चा पक्का पार्क बना दिया। लेकिन विडंबना ये भी है कि उस पार्क को सरकार अपने कब्जे में नहीं लेती है, वहाँ कोई विकास कार्य नहीं कराती है और कुछ लोगों में भी जागरूकता की कमी है कि उनको मेंटेन नहीं रखती है। चलिए, लोगों में भी जागरूकता की कमी तो नजर आती ही है। यहाँ फिर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। Myra Fashions, an exclusive range of designer collection. Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और आगे कारवा से शुरू करते हैं कौन बनेगा मेयर शो का। एक खास बात है, गड्ढा वार्ड नंबर 3 के अंदर जो इलेक्ट्रिक के जो पोल्स होते हैं, इन पोल्स के ऊपर एक खास करके चित्रकारी और कलर, पिंक कलर मेरे हिसाब से ये दिखाई दे रहा है, ये पूरे वार्ड में नजर आएगा, जिनके तस्वीरें हम आपको अभी दिखाएंगे एक खास तरीके से, और उनके ऊपर पोल के ऊपर नंबर भी अंकित कर रखे हैं। ये क्या कहानी है इसके पीछे की? ये मेरी एक इच्छा थी कि मेरे वार्ड के जो पोल होते हैं ना, कहते हैं कि हर चीज़ खंभा बेकार लगता है, मैंने इनको 10-10 फीट तक कलर करा के इसमें एक सुंदर सी पेंटिंग बनाकर नंबर लिखाए थे कि सुविधा की दृष्टि से कि लाइट ठीक क्या होनी है। हाँ। तो ये नंबर का पोल पर लाइट ख़राब है। कालांतर में लोगों ने पोस्टर, आप देखिए इनके ऊपर क्या हाल कर रखा है। आप, मैं कहूँगा कैमरा उधर कीजिए इस पोल को, ये देखिए आप कितना अच्छा सा पोल की डिजाइन है, जिसपे लोगों ने कलर और अपने ऐड लगाकर, बस इस गली में माली मोहल्ला की गली में ले लेना, इनकी सबकी दुर्गति कर, नहीं आगे वाली, आगे वाली गली। इन सब स्कूलों को नोटिस क्यों नहीं पहुंचवाते हैं आप? मैं शहर का सौंदर्यकरण, सुशील जी, मैं हायर अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा पार्षद हूँ। मुझे इधर ही डाल लेना वैसा, मुझे निवेदन करना पड़ता है नगर निगम में और वहाँ शायद मेरे अच्छे कामों की कोई, हाँ भैया इधर गाड़ी निकल जाएगी। ये हम जो जहाँ प्रवेश कर रहे हैं, ये मेरी वार्ड की जो कहते हैं कि निर्धन परिवार वाली कॉलोनी कह लें, और नमस्ते, ये कॉलोनी है, नहीं निकलेगा कोई बात नहीं, ये कॉलोनी है और इस कॉलोनी में भी लगभग 100% सड़क नाली 100% पूरी है। यहाँ हर घर में पेंशन आती है, हर घर मजदूर डायरी श्रमिक कार्ड से जुड़ा हुआ है, और भले विजुअल ले लो आप किसी का भी वैसे बीच में, और हर घर किसी न किसी योजना से जुड़ा हुआ है और विकास के काम आपके सामने हैं, विकास के काम आप देख लीजिए आपके सामने हैं, काम चल रहा है, अभी आइए देख लेते हैं। हाँ, ये आप सड़क तैयार करवा रहे हैं? ये सड़क थी, इस सड़क को चूंकि चुनाव आगामी 5-6 महीने बाद चुनाव है नगर निगम के स्थानीय निकाय के, और मुझे दोबारा पार्षद बनना है या हो सकता है भविष्य में यहाँ से कौन आए, तो ये मुख्य मार्ग है जो फाइसागर रोड और पुष्कर मार्ग को लिंक करता है, तो यहाँ की CC सड़क मैंने बनवाने का प्रयास किया है। और इस जो मेरे काम में हमेशा मैं करता हूँ, सभी करते होंगे, लेकिन मैं विशेष ये करता हूँ कि इस सड़क को, पहले वाली सड़क को पूरी डिसमेंटल करा के उसमें नई सड़क बनाने का प्रयास करता हूँ, ताकि मकानों की ऊंचाई ज्यादा ना हो। एक इसके बाद में ये जो क्रॉस बन रहा है, इसके अंदर मैं एंगल दूसरी जगह का मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो 100% बिना एंगल लगाए क्रॉस नहीं बनाने देता। हाँ। जब हमें इसकी सफाई करनी होती है तो वो एंगल से फेरोकवर उड़ जाता है और साफ हो जाता है, जिसमें सीमेंट के उसकी चीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। नुकसान नहीं पहुंचता है, ये वार्ड के अंदर काम शुरू हो गया है। अच्छा, एक बात बताइए ना, ये वार्ड के जो काम होते हैं ये 5वें साल के अंदर ही हो रहे हैं या नहीं? मैं आपको कहूंगा कि मैं 9 साल से पार्षद हूं और 9 साल में
कभी भी मेरे वार्ड के अंदर काम बंद नहीं हुआ, हमेशा मेरे वार्ड में काम चल रहा है, अभी भी काम चल रहा है, दो साल पहले भी चल रहा था। और आश्चर्य की बात कहूँगी, 18 अगस्त को मैं जब चुनाव लड़ रहा था 2015 में, तो उस दिन भी मेरे यहाँ काम चल रहा था। बहुत नगर निगम और प्रशासन की और सभी की, मेरे वार्ड के निवासियों की, सबकी बहुत कृपा है कि मेरे जी, आपके पार्षद हैं ये, जानते हैं आप इनको? नहीं, बताओ भाव जी, कैमरा चल रही है, बताओ कहीं जानते हैं आप इनको? हमारे हाथ में टपा बड़े हो गए। अच्छा, काम किया इन्होंने आपके वार्ड के अंदर? काम किया इन्होंने? हाँ, काम अच्छा किया है, सब काम किया, सब काम, सफाई, बिजली, नाली, कोई चीज की शिकायत नहीं है, कोई चीज की शिकायत नहीं। और होती है तब आ जाते हैं ये? कौन? जब कोई शिकायत होती है आधी रात को, आधी रात को आधी रात। चलिए, आधी रात को भी आ जाते हैं मनीष भैया, और मनीष भैया बहू को भेजो, आधी रात को भी आ जाते हैं। एक शख्स और है, बहू जी आपका नाम क्या है? अच्छा, ये बताइए, आपके पार्षद साहब को आज साथ लेके आए हैं, कोई समस्या आपके इलाके की हो अगर तो आप बताइए, है कुछ ऐसा? कुछ नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है, हमेशा काम होता रहता है। मनीष भैया बढ़िया होती है, बहुत बढ़िया, सारे काम आपके हो जाते हैं, कहने की जरूरत नहीं है, जो ये काम करवाते हैं बड़ा अच्छा होता है। अच्छा, एक बहुत खास बात है, जब हम घूम रहे थे ऐसे, तो ज्ञान जी ने एक खास बात बताई कि किसी भी शख्स को अगर अपनी लोकेशन बतानी होती है तो बहुत खास तरीके से बताता है, कैसे? सुन लीजिए, आपने एक जिक्र किया था कि लोकेशन में बता देता हूँ, कैसे? सुशील जी, एक खंबा है इधर, खंबा है। इसके अलावा मैं एक और आपसे, आपको चीज बताना चाहूंगा कि एक संभवतः समूचे राजस्थान में या किसी भी स्थानीय निकाय के पास में जो मेरा काम है, मैंने एक सर्वे मैप बना रखा है। सर्वे मैप के अंदर भाई साहब का मकान का नाप क्या है, इस मकान का नाप क्या है, सड़क की चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, और किस घर के बाहर नाली सीसी की है, सड़क सीमेंट की है, डामर की है, किस घर के बाहर कौन सा पेड़ लग रहा है, और 2017 में उस पेड़ की हाइट कितनी थी, वो सारी चीज़ उस सर्वे मैप के अंदर है। यानी कि मेरे को वार्ड के अंदर जो 2500 मकान या प्लॉट हैं, उन 2500 मकान प्लॉट के मालिक का नाम, उसकी लंबाई इंटू चौड़ाई, वो सारा काम मेरे पास एक सर्वे मैप में है, जो शायद तो अजमेर विकास प्राधिकरण नगर निगम के पास भी नहीं होगा। नगर निगम अब भविष्य में वो प्लानिंग करेगी कि हमें ऐसा सर्वे कराना चाहिए। 2016 में माननीय महापौर जी के निर्देशानुसार मैंने वो सर्वे कंप्लीट करके और वो रख दिया सर। इसके अलावा आपको मैं बताऊंगा, मेरे वार्ड की सारी व्यवस्था मेरे मोबाइल में रहती है। ये मेरे वार्ड की कैमरा पर्सन को कहूंगा कि आप देखिए साहब, ये मुझे अगर मेरे, ये सर्वे मैप है मेरे वार्ड का जो आपको बताना चाह रहा, भारी फाइल है, इसी लेट खुलती है, मैं आपको बताता हूँ सर। तब तक आप ये बताइए, आपने एक जिक्र किया था कि पोल ये 2017 में ये लगभग 10 फीट की ऊंचाई तक मैंने इसके ऊपर टेराकोटा कलर कराकर पोल कलर लिखा के एक डिजाइन बना के और प्रयास किया था कि बहुत सुंदर लगे, और बना था उस समय सुंदर भी किया था। ये कोई सरकारी काम नहीं था, ये काम विशुद्ध रूप से वार्ड के लोगों का और मेरे साथियों का, मेरे भामाशाओं का, इन जैसे बाबूजी का, इनके द्वारा किया गया था। इसमें हो सकता है मेहनत इस गली के कलर करने मेरे बुजुर्ग बाबूजी ने की हो, या इनके बेटे ने किया हो, या इन्होंने की हो, उस सबको आप ये देख रहे हैं साहब, पोस्टर लगाने वाले ने पोस्टर लगा के और ये सारी बेकदरी कर दी, तो दोबारा मेरा भी काम करने की इच्छा नहीं होती है। मतलब ये चीज को मैंने वार्ड को सुंदर बनाने का प्रयास किया था, और ये काम भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप जाएंगे ना, बहुत पूरे शहर में घूमेंगे, ये काम नहीं मिलेगा। और ये काम मैंने किया, लेकिन ये चीज अब अभी सब बेकार हो चुकी है। आप पीछे देखे तो उस पर कोई टर्निंग पॉइंट लिख रहा है, कोई एड लिख रहा है, मतलब इस तरह से इसकी सबकी दुर्गति कर दी गई। यही चीज हम आपको कह रहे हैं, या तो निगम ऐसा प्रावधान कुछ लेकर आए कि इनसे रेवेन्यू को कलेक्ट करे, जो यहीं के जो क्षेत्र है उसी इलाके के अंदर। सुशील जी, मैंने आपको बताया, मुझे लगता है कि जब आपकी साधारण सभाएं होती हैं तो उनमें शायद इन चीजों का भी जिक्र होना चाहिए। मैं साधारण सभा में थोड़ा आपसे भी निवेदन करूंगा कि आपका कैमरा भी उससे और ज्यादा होता है जो पार्षद ज्यादा जोर से चिल्ला रहा होता है या जो आक्रामक रूप से, तो इसीलिए तो हम आए आप लोगों से जानने के लिए, हर गली मोहल्लों में जा रहे हैं उनसे समस्याएं देखने के लिए। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, ई रिक्शे के अंदर जब हम घूम रहे थे तो जो यहाँ के पार्षद है उन्होंने हमको बताया कि जैसे कि अभी शिकायत अगर इस वक्त मुझे करनी है तो फोन लगाते हैं पार्षद को, और पार्षद साहब पूछते हैं कि आखिर आप कहाँ पर खड़े हैं, तो आदमी जिक्र करता है कि मैं 365 नंबर पोल के पास खड़ा हूँ। इससे इनको बहुत आसानी हो जाती है वहाँ तक पहुँचने में भी, और बहुत ईजी तरीके से पहुँच जाता है। कुछ लोग हैं घर के बाहर जो आए हैं, देख रहे हैं, उनसे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि उनके पार्षद सर्वे कर रही है। पुरुषोत्तम जी, बढ़िया कार्यक्रम निमट गया, नहीं अब नहीं, गली गली में घुमा रहे हैं आपके वार्ड के अंदर, कैसा काम किया इन्होंने?
इन्होंने जितना काम करा उतना किसी पार्षद ने नहीं करा हुआ किसी वार्ड में। किसी वार्ड में नहीं किया, कोई समस्या आपके वार्ड में नहीं? हमारी समस्या कुछ भी नहीं। फोन करते वो सुन भी लेते हैं, फोन करते ही पार्षद साहब खुद यहाँ मौजूद हो जाते हैं। सुशील जी, भाई साहब आपके साथ में बीच में रोकते हुए ये निवेदन करूंगा कि ये तो ऐसी जगह है जहाँ सड़क भी बनी हुई है, नाली भी है, अगर आपको मैं खड्डे में भी ले जाके खड़ा करूंगा तो मेरा कोई वार्ड का भाई या बहन ये नहीं बोलेगा कि हमारी ये समस्या है। मेरा कैमरा ये लोगों को ढूंढ रहा है लेकिन मुझे ऐसा मिल नहीं रहा है। ये मेरी खुशकिस्मती है या इनका मान सम्मान है, इनका बड़प्पन है कि मुझे इतना जब मुझे राजस्थान के हाईएस्ट वोटों से मैं वार्ड में जीतता हूँ तो ये इन्हीं लोगों का मान सम्मान है। ये जो मेरी बहन है, मैं इनका नाम नहीं जानता हूँ लेकिन ये इनका प्यार, स्नेह और इनका मान सम्मान है, इनका बड़प्पन है कि मुझे इतना इतना संबल मिलता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पोल कलर और ये पेड़, ये कम, ये सब इनके सहयोग के बिना नहीं हो सकता है। तो आप पूरे वार्ड में ढूंढने पे भी, ये तो आज मैं साथ हूँ, अगर मैं साथ भी नहीं हूँ तो पूरे वार्ड में ढूंढने पे भी आपको एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जो ये कह दे कि ज्ञान सरस्वत ने काम नहीं लिया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इनके ये मौजूद नहीं होते तो भी आपको यही लैंग्वेज से बात करनी है। हजारों वोटों से जीते थे और अब की भी ऐसे जीते, और अगर इस बार भी जीतेंगे तो यही बहुत ही जीतेंगे, हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हमेशा। अच्छा, हम तो इनसे ई रिक्शे पे सवाल पूछ रहे थे कि इनको तो विधायक का चुनाव लड़ना चाहिए, पिछली मरतबा इनकी बहुत थी तो एक बार है तो भी जीत, इसी बार से तो 100% वोट मिलेंगे। 100% वोट मिलेंगे। यहाँ फिर एक ब्रेक के लिए हमको रुकना होगा और ब्रेक के बाद आपको फिर कुछ और गुफ्तगु जो है वो सुनाते हैं। सदगुरु डिजाइनर वेडिंग कलेक्शन, हैंड पिक्ड फैब्रिक्स एंड प्रीमियम ब्रांड्स, सदगुरु स्टोर, नगीना बाग, अजमेर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ई रिक्शे के ऊपर कौन बनेगा मेयर शो का जो कारवा है वो आगे अब बढ़ रहा है। एक चीज़ हमने खासतौर पर मोबाइल पर देखी है अभी, यानी उन्होंने एक डॉक्यूमेंट हमको दिखाया है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर इस वार्ड में रहने वाले हर आदमी का ब्यौरा है, कितने यहाँ पे सीमेंट के पोल हैं, कितने यहाँ पे लोहे के खंभे लगे हुए हैं उसका जिक्र है, उसके साथ साथ दुकानें कितनी हैं, जो ठेले वाले हैं वो कितने हैं, उन सब का जिक्र मैं पहली बार किसी पार्षद के मोबाइल में इस तरीके से रिकॉर्डेड देख रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, शहर में बहुत चर्चा है लिफाफों को लेकर, पार्षदों को लिफाफे दिए जाते हैं, चर्चा है, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा किसी प्रकार का, लेकिन चर्चा बहुत है, कई लोग सुनने में आते हैं कि फलाना पार्षद फलाने लोगों को इतने इतने रुपए के लिफाफे दिए जाते हैं। नहीं सुशील जी, लेकर क्या बात? सुशील जी, मैं तो लगभग ये कार्यकाल भी इधर ही ले लो, ये आगे से ले लो, आगे से लगभग मेरा एक कार्यकाल समापन होने की ओर है। मैंने आज तक कभी किसी प्रकार का लिफाफा नगर निगम में देते हुए या लेते हुए पार्षद को नहीं देखा, अर्थात मैं किसी प्रकार का कोई लिफाफा नहीं लेता है, नहीं देखा कि नगर निगम में लिफाफा नाम की कोई चीज दी जाती है, ली जाती है, है ना। चर्चा मैं भी सुनता हूँ, आपने सुनी तो मैं भी सुनी है, लेकिन लिफाफा कहीं देखा नहीं है कि कैसा लिफाफा होता है, कौन देता है, कहाँ से आता है, क्या होता है, पढ़ने मुझे देने का कभी किसी ने प्रयास किया गया? हो सकता है कि ये भ्रांति हो सकता है ये केवल चर्चा हो, लिफाफे जैसी चीज कुछ भी नहीं होती है मेरी नजर में। अफवाहें भी हो सकती है, अफवाहें भी हो सकती है। चलिए अफवाहें को देखते हैं। जिस सड़क पर हम चल रहे हैं, इस सड़क पर आपके बहुत शादी समारोह स्थल है, बहुत ज्यादा है, और इसको लेकर कई मर्तबा इतनी शिकायतें हमारे पास भी हैं, मुझे लगता है आपके पास भी आई होंगी। निश्चित तौर से आई है, इसके बारे में मैंने पत्राचार भी किया है, यातायात पुलिस को किया, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को किया है, स्थानीय थाना प्रभारी जी से भी निवेदन किया है, मैं नगर निगम में भी लिखा है, लेकिन एक विडंबना है कि जहाँ तक नगर निगम की सीमा है वहाँ तक पर होगा ना, नगर निगम की सीमा है वहाँ तक तो हम उसको कर लेंगे, लेकिन नगर निगम बाहर के सीमा के बाहर पंचायत क्षेत्र में समारोह स्थल है जो टेलीफोन एक्सचेंज के बाद शुरू हो जाता है, उनका उस पर ज्यादा दबाव रहता है, इस कारण से कुछ कार्रवाई हम करने की उसमें नहीं। हम मौजूद हैं अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी के घर के बाहर, पेड़ पे ट्री गार्ड पे लगा हुआ नाम देख के आओ, आपको ट्री गार्ड है उस पे देख के आओ, ये मैंने जो आप ट्री गार्ड देख रहे हैं, ट्री गार्ड के ऊपर मैंने ये पहले शुरू के पेड़ों की मैंने, ये अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी है, उनके घर के बाहर एक पेड़ लगा हुआ है, उस पेड़ को आप देख लेते हैं, नाम वृक्ष का लिखा हुआ है ये अशोक जी। ये मैंने अपना संस्थान की प्रेरणा से
पेड़ लगाए थे, एक बार मैंने 600 पेड़ लगाए थे प्रथम बार, तो उस समय मैंने हर पेड़ पे इस तरह पालक का नाम और पेड़ का नाम, इसका बॉटनिकल नेम ये लगाने का प्रयास किया था, लेकिन वो 500-600 पेड़ उस समय लगे थे, उस कारण से संभव हो पाया। अब तो संख्या हजारों में है, तो अब ये संभव भी नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा जब भी वृक्षारोपण होता है तो इस तरह की प्लेट लगनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले को पता पड़े कि इसका बॉटनिकल नेम क्या है, इसका आयुर्वेद उपयोग क्या है। ये ऐसी प्लेटें मैंने लगाई थी जो अभी भी आपको कई पेड़ों में मिल जाएगी। और ऐसी जहां हम इस कॉलोनी में चल रहे हैं, ऐसी वार्ड में 3 कॉलोनी है जहां हर आगे चलेंगे तो आपको पेड़ दिखेंगे जहां एक दूसरे को पेड़ आपस में टच कर रहे हैं, यानी इस हर घर के बाहर पेड़ हैं, वो आगे आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, बात अधूरी रह गई, वो शादी समारोह स्थल हाँ, जिसमें तो हमारे नगर निगम का जिक्र आ गया उसके अंदर हाँ, लेकिन नगर निगम कचरा प्रबंधन का जिक्र नहीं आया। कचरा प्रबंधन का अभी प्रभावी चल रहा है कार्यक्रम, उसके अंदर हर समारोह स्थल वाले को कचरा निस्तारण की मशीन लगानी है, खाद मलाने की मशीन लगानी है और वो बिल्कुल उसके ऊपर इधर सख्ती से पालन करना ही पड़ेगा। देखिए सुशील जी, आप सामने पेड़ देखिए, ऐसी वार्ड में 3 कॉलोनियां हैं जिसमें दोनों पेड़ एक दूसरे को छू रहे हैं। अभी तो सर्दी का मौसम है, आप कल्पना कीजिए कि गर्मी के मौसम में मेरी वार्ड की जहाँ ये पेड़ है बहुत यहाँ शीतल सा और ठंडापन रहता है। ये लगभग 5 साल में ये पेड़ तैयार हुए हैं और पूरी कॉलोनी ऐसी 3 कॉलोनियां हैं जिसके अंदर आपको 100% इस तरह से पेड़ ऊपर छूते हुए मिलेंगे। दोनों तरफ आपको पूरी 3 कॉलोनी में जहाँ भी आप घूमेंगे आपको इस तरह से पेड़ मिलेंगे। पेड़ मिलेंगे। कचरा प्रबंधन की कोशिश भी लगातार जारी है। स्कूल की समस्या पे हमने बात की है। फिर मैं राजनीतिक सवाल के ऊपर आता हूँ बस एक बार, क्योंकि आपके वार्ड में मैं घुमा हूँ, लोगों से जो बातचीत हमने की है उसमें लोगों का कहना तो यही है कि ज्ञान सारस्वत को विधायक का चुनाव अगर वो लड़ते हैं तो हम भारी मतों से जीता कर भेजेंगे। लेकिन मेरा सवाल थोड़ा सा अब ये है, क्योंकि पार्टी तो शायद ऐसे नज़रअंदाज कर शीर्ष नेताओं को कभी टिकट दे या नहीं दे, लेकिन क्या ज्ञान सारस्वत कभी पार्टी लाइन से हटकर नहीं सुशील जी, मैं चुनाव लड़ने की, मैंने पहले भी चुनाव लड़ा है निर्दलीय, पहले भी चुनाव लड़ा है, मैंने पार्टी को दरकिनार करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ा है। वो पार्षद का लड़ा ना, पार्षद का लड़ा, इसीलिए विधायक पार्षद का उसी वार से लड़ा है जहाँ से माननीय देवनानी जी विधायक हैं। लेकिन जब मुझे ऐसा लगेगा कि अन्याय हो रहा है तो अन्याय के मेरे जरूर उठूंगा, लेकिन पार्टी लाइन को क्रॉस नहीं करूंगा मैं, क्योंकि शहर के बहुत सारे लोगों से जब हमारी बातचीत होती है तो आपका नाम ऊपर रहता है उसके अंदर। राजनीति में किस्मत बहुत बड़ी होती है, मुकद्दर बहुत बड़ा होता है। किस्मत कहाँ ले जाती है ये मैं भी नहीं कह सकता, किस्मत कहाँ ले जाती है आप भी नहीं कह सकते। अच्छा, एक चीज का और जिक्र आ रहा है जिसको तलाशने की कोशिश, सवाल के जवाब को तलाशने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। जंगली जानवरों की बहुत समस्या है, गाय कई जगह मर जाती है, इसके लिए टोलपा को लोग कॉल करते हैं। क्या आप अपने वार्ड के लोगों के लिए कोई ऐसा राइट नंबर या ऐसी कोई सुविधा बता सकते हैं जो अजमेर के लोगों के काम है? मेरे वार्ड के लिए और मेरे वार्ड के आसपास के क्षेत्र के लिए एक टोलफा नहीं, सारी समस्या का विकल्प ज्ञान सारस्वत का मोबाइल नंबर है। मेरे वार्ड के कुछ पशु चिकित्सक हैं या पशु प्रेमी हैं, उनका वो अपने स्तर के ऊपर अगर कोई गाय घायल मिल जाती है जिसका तत्काल इलाज हो सकता है, या छोटे, क्योंकि मैं भी एक पशुपालक हूँ, मैं भी एक गाय पालक हूँ, तो मैं उनका इलाज मौके पर हम करने का प्रयास करते हैं। टोलफा का भी पूरी सहयोग मिलता है और टोलफा की मदद मैं भी करता हूँ। जहाँ तक मेरे, आपको बताऊँ सुशील जी, कि कुओं में गिरी हुई भैंसे एक नहीं कई संख्या में कुओं में गिरी हुई वैसे मैंने निकाली है, मैंने या मेरी टीम ने निकाली है, तो हम हमारे पूरी 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 तरह से टोलफा हमारी मदद करते हैं, उनकी मदद करते हैं। टोलफा का जिक्र किया, टोलफा की गाड़ी हमको दिखाई दे रही है सामने, तो टोलफा देख लीजिए, ये टोलफा गाड़ी है पूरे शहर में नगर निगम की ओर से लगाई हुई है मेरे साथ। नहीं, नगर निगम नहीं, ये अपना एक एनजीओ है। हाँ। ये टोलफा आगे ले लो भैया जी, टोलफा एक एनजीओ है और ये कोई विदेशी महिला चलाती है, इसमें शहर के लोगों की भी भागीदारी है और बहुत अच्छी संस्था है। जिस पशु को हम घृणा करते हैं, ये दृष्टि से देखते हैं घायल बीमार पशु की, उसकी सेवा ये लोग करते हैं और बहुत अच्छे से ये सेवा करते हैं। अब देखिए वो किस तरह से एक पागल जानवर को, ये बीमार जानवर को उठा के ला रहे हैं, अपने रिस्क खेलते हुए और बड़े मुश्किल से ये मुश्किल की परिस्थितियों में काम करते हैं। चलिए, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये भी एक दुकान है तो दुकानों पे ऊपर चर्चा ज़्यादा बेहतरीन तरीके से हो सकती है। बाबू जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रूपचंद है। अच्छा, एक बात बताइए, आज आपके पार्षद साहब को लेकर आए, कोई काम ऐसा रह गया जो पूरा नहीं हुआ? पूरा हो गया साहब, सब पूरा हो गया काम।
कोई समस्या है नहीं क्या आपके वार्ड के अंदर? नहीं, हमारे वार्ड पे नहीं है कोई समस्या नहीं है। पाऊ जी, पार्षद साहब आए हैं आज आपके, रुक जाते हैं। काम बढ़िया कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? काम बढ़िया कर रहे हैं। बढ़िया कर रहे हैं? यस, काम बढ़िया कर रहे हैं। आपका कहना है इनके बारे में? इनके बारे में बहुत बढ़िया आदमी, कोई कमी नहीं इनके काम के अंदर, पूरे वार्ड में काम अच्छी तरह से चल रहा है। पूरी वार्ड में कभी याद करते हैं इनको कोई समस्या ऐसी जो अभी तक पूरी नहीं कर पाए? समस्या बड़ी है, तुरंत हाजिर होते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं, तुरंत हाजिर हो जाते हैं। और यहाँ फिर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद अगले 5 मिनट की चर्चा और करेंगे। चर्चा के बाद में इस कार्यक्रम को एक काम करते हैं, छोटे आपने भिजवाए Myra Fashions, an exclusive range of designer collection. Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. Break के बाद एक बार फिर कौन बनेगा मेयर शो में आपका सीधा अपने अंदर स्वागत है। और अब आपको वार्ड की एक ऐसी स्कूल में लेकर चल रहे हैं जो बेहतरीन तरीके से बनाई गई है, भामाशाहों की मदद से तैयार की गई है। बहुत सारे काम यहाँ पर किए गए हैं, वो काम आपको दिखाएंगे। वार्ड के बहुत सारी जगह पर अंदर ले लीजिए स्कूल में। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है फाइसागर अजमेर, पूरा नाम है इस जगह का। और इस स्कूल में अब आपको लेकर चलते हैं, ये स्कूल दिखाते हैं कि एक सरकारी स्कूल के अंदर किस तरीके से इलाके के पार्षद ने काम करवाया है, भामाशाहों की मदद से, खुद के प्रयास करके जो काम कराए हैं वो काम हम आपको दिखाते हैं। देखो सुशील जी, ये सामने जो आंगनवाड़ी केंद्र है, बाल नंदघर है, अजमेर में और भी बने होंगे लेकिन हमारा नंदघर ये अभी 30 लाख से ज्यादा की लागत से नंदघर बना है। इसके अंदर ये इसकी बनावट के हिसाब से ये एसी एयर कंडीशन है, इसमें सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा ये रहेगा। इसमें बोरिंग है और मतलब जो छोटे शिशुओं की जो देखभाल के लिए सामान चाहिए, पूरा एक वेल अप टू डेट ये वेदांता ग्रुप द्वारा ये बनाया गया था। जस्ट आप इसके पीछे देखेंगे तो ये हमने बालवाटिका बनाई है, ये बालवाटिका उज्जैन बैंक के माध्यम से, उज्जैन बैंक कंपनी के माध्यम से हमने बनाई है। आप अंदर ले लीजिए कैमरे को, इसमें हमने एक अच्छा सा कम खर्च में और बैंक के सहयोग से एक अच्छा सा काम करने का प्रयास किया है। इसमें झूले भी लगाए, इसमें हमने पेड़ भी लगाए। और आपको एक बात बता दूं कि इस हमारी एक स्कूल प्रांगण में लगभग 250 से ज्यादा, 250 के बीच में पेड़ इस स्कूल में लगे हुए हैं। और इस स्कूल के अंदर ये जो सामने वाला ब्लॉक के 3 कमरे हैं, ये एक दानदाता से बनाए गए। अभी वर्तमान में एक कमरे का निर्माण कार्य दानदाता के माध्यम से चल रहा है और इस स्कूल को बहुत अच्छे से, अभी स्मार्ट सिटी के तहत भी इस स्कूल के अंदर हमने काम हुआ है और इस स्कूल को अच्छे से, जो कन्याओं को, एक छात्राओं को एक अच्छा माहौल मिलने का प्रयास किया है उस स्कूल में हमने। और यहाँ के शिक्षक, शिक्षिकागण और सारे अच्छे हैं, रिजल्ट भी अच्छा है और उसी का परिणाम है कि इस विद्यालय की जो छात्राओं की संख्या है, लगभग 700 छात्राओं से ज्यादा इस विद्यालय में छात्राओं की संख्या है। शैक्षणिक नजरिए से आप शैक्षणिक माहौल देने की जो कोशिश, मैंने अभी ताजा हाल ही में जब हमारे प्रार्थना स्थल है, प्रार्थना स्थल के ऊपर हमने एक अच्छी सी बेंच लगाने का प्रयास किया है कि बच्चियों, अध्यापिकाएं खड़ी रहे। और ये एक वार्ड का बेहतरीन स्कूल, एक स्मार्ट सिटी के तहत हमारे कमरे तैयार हुए हैं। देखिए ये स्मार्ट सिटी, स्मार्ट क्लासेज हुए हैं इसके अंदर। मैं चूंकि अभी प्रधानाचार्य जी नहीं है और उनकी अनुमति के बिना कमरे में प्रवेश मैं आपको नहीं करा सकता, लेकिन जो मुझे दिखाना जरूरी था क्योंकि मेरे वार्ड का स्कूल है। आप सामने ये प्याऊ बनी है, एक अच्छी सी प्याऊ है, वाटर कूलर, एक्वा गार्ड है, भामाशाओं के माध्यम से है। सामने जो आप दीवार देख रहे हैं वहाँ पिछले 3 साल पूर्व में कब्जा करने की कोशिश की गई थी। आप भूमाफियाओं का ये हाल देखिए कि सरकारी स्कूल के अंदर दीवार तोड़कर उस पर कब्जा करने का प्रयास किया गया था, वो कब्जे को रोका गया और आज ये स्कूल पूरी तरह से सुरक्षित है। जब यहाँ की टीचर्स आई गई हैं तो इनसे बात, लेकिन अगर हमारे प्रधानाचार्य जी यहाँ होती ना तो परमिशन लेके हम आपको कमरे दिखाते, लेकिन अभी यहीं पर आप टीचर हैं? हाँ, मैडम जी बैठे हैं। हाँ, अगर हम उनसे बातचीत कर पाए, जान पाए कि कैसा काम। बिल्कुल सर, हम इस हिसाब से आए थे कि ये इस हिसाब से स्कूल में आए थे कि हमारे वार्ड का आप सर्वे कर रहे हैं, एक ये देख रहे हैं कि भाई पार्षद ने क्या किया है, तो वार्ड के अंदर ये स्कूल भी आती है, अस्पताल भी आता है, उस नाते हम आपके इस स्कूल में आए। तो मैं इनको बताने का प्रयास कर रहा था कि ये पार्षद के काम से आप खुश हैं या नहीं? बिल्कुल बहुत खुश हैं, बस खुश हैं, बहुत खुश हैं। मैडम कभी बहुत ज्यादा ही खुश हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मतलब आप ये देखिए, अच्छा। प्रिंसिपल मैडम को विशेष ध्यान भी रखते हैं, प्रूफ भी है ऐसे, हर ये वाकई में अच्छे हैं, बहुत फटाफट जो भी कहना पड़ता है ना फटाफट आ जाते हैं, फटाफट आ जाते हैं। हाँ, मतलब स्कूल को भी कोई समस्या हो तो ज्ञान जी भाई साहब को याद कर लो। लेकिन सुशील जी, इसमें एक बात कहूंगा कि मैं स्कूल के अंदर, स्कूल हो या अस्पताल हो, ये अभी तो खैर हम विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन जब सत्ता में थे
उस समय भी हम कभी स्कूल में राजनीति का प्रयास नहीं किया। यहाँ माननीय शिक्षा मंत्री जी देवनानी साहब थे, तो इस स्कूल में आते थे तो विकास लेके आते थे। हमने ज्यादा से ज्यादा प्रयास किया कि देवनानी जी के से ज्यादा से ज्यादा बजट हमारे क्षेत्र के विद्यालय में लगाएं, ऐसा प्रयास किया। मतलब स्कूल में हमने राजनीति नहीं की, ये राजनीति, चूंकि ये राजनीति का क्षेत्र स्कूल नहीं है। ये तो आपने अभी कहा कि भाई स्कूल है, गेट खुला था, अपन अंदर आ गए। बाकी कायदा ये नियम ये कहता है कि स्कूल के प्रधानाचार्य जी से हमें पूछ के हमें विद्यालय में प्रवेश करना था, चूंकि वार्ड का स्कूल, हमें प्रांगण देखना था, ये प्रांगण दिखा है शायद प्रधानाचार्य। आपने कई दूसरी जगह भी नौकरी की होगी, वहाँ के जनप्रतिनिधि इस तरीके से सहयोग कर पाते? कभी नहीं देखा जी, पता ही नहीं कौन जनप्रतिनिधि पता ही नहीं काहे के। लेकिन इनके साथ में अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा, हर छोटी छोटी समस्या हर टाइम हाजिर है, कभी भी बुलाओ बोले हर टाइम हाजिर है, हर समय। चलिए कार्यक्रम को अंतिम उस पर नाम भी आ जाएगा। क्या नाम है आपका? मंजू डीडवानी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो ज्ञान सरस्वत है वार्ड नंबर 3 के पार्षद, उनके काम से आप कितना संतुष्ट हैं? सरकारी स्कूलों में मदद करते हैं? बहुत अच्छी मदद करते हैं, और मैं तो जब से इस विद्यालय में आई हूँ तब से आपकी तारीफ सुन रही हूँ। अभी नगर निगम किसी कह के ये चार दीवारी का काम करवाया, और फिर उसके बाद उसकी पुताई भी करवाई है उनके द्वारा, और उससे पहले भी ये जब अतिक्रमण की बात हुई थी कुछ साल पहले की बात है, तब आपके सहयोग से ही फिर ये यहाँ पे रुका था, अतिक्रमण नहीं हो पाया था। और हमेशा जो जब भी कोई छोटी सी भी बात होती है तो वो हमेशा सहयोग करते हैं। बहुत बढ़िया बात है, मुझे उम्मीद है कि आपके वार्ड में जिस तरीके से आज लोगों से जानकर महसूस हुआ है या पार्षद को लेकर, ये कार्यक्रम देखने वाले लोग समझें इस चीज़ को कि पार्षद को लेकर जो उनके मन में भ्रांतियाँ हैं, जो सोच है, वो शायद इन काम को देखकर, इस शो को देखकर वो बदलनी चाहिए, मुझे ऐसा उम्मीद है। एक आखिरी सवाल आपसे और उसके बाद कार्यक्रम खत्म करते हैं, कौन बनेगा मेयर शो, कैसा लगा ई रिक्शा के ऊपर आपका हमारे साथ? नहीं सुशील जी, मैं धन्यवाद दूंगा कि हमेशा मैं अपनी बाइक पे जाता हूँ या अपनी गाड़ी पे जाता हूँ, वार्ड में अपना काम किया मैं आ जाता हूँ, लेकिन आज आपके साथ जाके कई चीज़ें जो कमियाँ थी मुझे नहीं लगी, नज़र नहीं आती थी, आपके साथ जाके नज़र आई। एक आपने, मैं आपसे विशेष निवेदन करूंगा कि आपने शो का नाम रखा है कौन बनेगा मेयर, क्योंकि मेयर तो, मेयर साहब तो हमारी आने वाली, मेयर साहब तो अजमेर शहर की अनुसूचित जाति की महिला बननी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि दोनों पार्टियां और जो भी मेयर बने, अच्छी मेयर बने, अजमेर का विकास करें, क्योंकि इस अजमेर का अन्न हम खाते हैं, अजमेर का पानी हम पीते हैं, अजमेर की हवा हम लेते हैं, तो शहर का विकास और उन्नति करने वाली मेयर बने। और जहाँ तक हमारा सवाल है, अभी आगामी 5 महीने हैं, पूरे दिल से वार्ड की सेवा की है, वार्ड के लोगों की सेवा की, आगामी 5 माह भी करेंगे, आगे जो लॉटरी आएगी और देखा जाएगा। चलिए कौन बनेगा मेयर शो में आज के लिए केवल इतना ही, फिर आपको नए वार्ड में लेकर चलेंगे, वहाँ की जो समस्याएं हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे, वहाँ के पार्षद ने क्या काम किए हैं वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही।